हैंगओवर, इसका मीनिंग है हेवी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और उसका साइड इफेक्ट वेरी नेक्स्ट डे, मॉर्निंग में सर पकड़ लेता है, आप बहुत वीक लगने लगते हैं। तो ये जो वर्ड है हैंगओवर, इसका मीनिंग हम लोग सब जानते हैं, बट द क्वेश्चन इज हम लोग इसको हैंगओवर ही क्यों पुकारते हैं, क्यों अलग वर्ड नहीं। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि जो एक्टिविटीज हम लोग का शरीर में होता है हैंगओवर के दौरान, उससे ये जो हैंगओवर वर्ड है कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हम लोग बोलते हैं हैंगओवर क्यों। चलिए आज इस वीडियो से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, लव बारटेंडिंग, स्पेशली फे बारटेंडिंग, देन मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जहां पर ऑनलाइन आप फ्लेयर बार्टेंडिंग सीख सकते हैं, आप बना सकते हैं डिलीशियस कॉकटेल, आप जान सकते हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अल्कोहल, बियर, वाइन, लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको एक परफेक्ट बार्टेंडर बनना है तो ज्वाइन कीजिए बार्टेंडिंग बूट कैंप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके तुरंत रजिस्टर कीजिए। तो फिर मिलते हैं बार्टेंडिंग बूट कैंप में। ये जो वर्ड हैंगओवर, ये ओरिजिनेट हुआ है एक स्पेशल किस्म का प्रैक्टिस ऑफ स्लीपिंग के लिए, मतलब एक स्पेशल रोप हुआ करता है जिसके ऊपर इंसान ऐसे करके सो जाता है रात भर, उस स्लीपिंग प्रैक्टिस को कहा जाता है हैंगओवर। तो फिर ऐसा क्यों, इसके पीछे एक अच्छा हिस्ट्री है, पहले मैं आपके साथ वो हिस्ट्री शेयर करता हूँ। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन इन विक्टोरियन इंग्लैंड वॉज एक्सेस टू बेंड ओवर अ रोप फॉर द नाइट एट द प्राइस ऑफ पेनी, यूजली यूज्ड बाय ड्रंकन सेलर्स हु हैड स्पेंट ऑल देयर मनी ड्रिंकिंग। मतलब साफ है, क्वीन विक्टोरिया के जमाने में, मतलब 19th सेंचुरी का बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एज में, उन टाइम पे जो सेलर्स जहाजों में सफर करता था उन लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था बिकॉज ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। वो लोग इतना पैसा खर्चा कर देते थे ड्रिंकिंग के पीछे कि उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, और इसीलिए सबसे कम कीमत वाला जो टिकट हुआ करता था वो खरीदते थे और जहाज में चढ़ते थे। अब वो लोग तो रहते थे ड्रंक, हमेशा ड्रंक, तो रात को उन लोगों को जब सोने के लिए एकोमोडेशन दिया जाता था तो वो बहुत विचित्र था, एक रोप हुआ करता था और उसके ऊपर उन लोगों को खड़ा कर दिया जाता था, ऐसे हैंग करके, मतलब झूला के खड़ा कर दिया जाता था, और रात भर वही सोते सोते वो लोग सफर करते थे। इसी के कारण ये नामकरण हुआ था हैंगओवर। बट ये जो फैक्ट है इसको लेकर बहुत सारे दोहराए हैं, बहुत सारा हिस्ट्रियन बोला है कि ये फैक्ट शायद ठीक नहीं है, ये फैक्ट फॉल्स है। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं कि उन टाइम पे, मतलब 19 शताब्दी में हो क्या रहा था। ऐसे अगर देखा जाए तो 19 सेंचुरी में, मतलब 1901 में, ये जो वर्ड हैंगओवर ये वोकैबुलरी में आ चुका था, और इंग्लिश वोकैबुलरी में 19 सेंचुरी की शुरुआत में इस वर्ड को डिस्क्राइब किया गया था, अनफिनिश्ड बिजनेस फ्रॉम मीटिंग्स, जी हाँ इसको कहा गया था। बट 1904 में वोकैबुलरी में एक चेंज आया और वहां पर देखा गया कि इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। तब वहां पर हैंगओवर वर्ड का मीनिंग को दर्शाया गया था फिजिकल एफर्ट फॉलोइंग हेवी कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और द यूज ऑफ ड्रग्स। तो आज भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे हैंगओवर वर्ड का मीनिंग, और उसमें पहला जो है वो होगा कि साइड इफेक्ट, मतलब हेवी कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल का साइड इफेक्ट, वही पहले आता है। तो आज इस वीडियो से आप जान गए कि हम लोग हैंगओवर क्यों पुकारते हैं, क्यों बोलते हैं। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।